उधम सिंह नगर से बड़ी खबर मिल रही है। नानकबत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड का मामला, तीन और साजिशकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। पीलीभीत से परगट सिंह गिरफ्तार किया गया, बाजपुर से जसपाल भट्टी और साथी सुखदेव गिल भी गिरफ्तार किया गया है। बाजपुर से बंदूक देने वाले जसपाल भट्टी, सुखदेव गिल भी गिरफ्तार किए गए। प्रोफेशनल क्रिमिनल जसपाल भट्टी और सुखदेव गिल है और तीनों पर बदमाशों को बंदूक उपलब्ध कराने का आरोप लगा है। बाबा हत्याकांड में अभी तक पुलिस सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बाबा तरसेम सिंह की हत्या की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में शैलेंद्र नेगी जुड़ गया है। शैलेंद्र, तीन और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, बताइए क्या इनकी भूमिका है? देखिए, जो तीनों साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए हैं, इनमें इन तीनों की भूमिका बेहद संदिग्ध रही है और पुलिस का बेहद साफ ये कहना है कि तीनों ने ही जो दो बदमाश थे सरबजीत और अमरजीत, जो कि फरार चल रहे हैं, जिन्होंने बाबा को गोली मारी, बाइक पर सवार होकर के 28 मार्च की सुबह सुबह ये डेरे में पहुंचे और बाबा को इन्होंने दो राउंड की फायरिंग में ढेर कर दिया, वहां पर उन्होंने मार गिराया। तो ऐसे में यही आरोप है कि इन तीनों ने ही मिल करके जो बंदूक थी वो उपलब्ध कराई, 315 बोर की राइफल थी, ये इनको उपलब्ध कराई बदमाशों को, और यही इन तीनों पर आरोप है। इन तीनों की लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी क्योंकि मोबाइल सर्विलांस के जरिए जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सब कुछ पुलिस को मिला है। साथ ही पुलिस के हाथ कई अहम सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि बाजपुर में किस तरीके से सरबजीत और अमरजीत को ये भट्टी और गिल बंदूक देते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके की सीसीटीवी फुटेज का भी दावा बाकायदा जो है पुलिस के जो पुलिस कप्तान है एसएसपी उधम सिंह नगर के मंजुनाथ टीसी, उन्होंने दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके हाथ अब इस तरीके के इनपुट्स भी लग चुके हैं कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है। अब पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है कि ये मास्टरमाइंड कौन था, उसकी तलाश में लगी हुई है, नाम उन्हें पता लग चुका है और पुलिस जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी का दावा कर रही है। बहरहाल पुलिस ने अब जो दो फरार चल रहे हैं मुख्य आरोपी जिसमें अमरजीत और सरबजीत थे, उन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। यानी कि जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था उनकी तलाश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका।